हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9 महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड थर्ड चैप्टर पॉलिनोमियल्स हम पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट करेंगे, बहुत सुंदर है, बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसे इसमें ये जो सर्कल्स और ये जो कर्व्स दिख रहे हैं, ये सारे पॉलिनोमियल्स ही हैं। तो जब आप बड़े क्लास में जाएंगे तो आप इसकी डिटेल्स को पढ़ेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं आज का लेसन इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन में हम देखते हैं कि पॉलिनोमियल्स या अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस वो होते हैं जिसमें वेरिएबल्स इन्वॉल्व होते हैं, राइट, इन विच वेरिएबल्स आर इन्वॉल्व एंड दे हैव नॉन नेगेटिव इंटीजर पावर। माने क्या, बोलना क्या चाह रहे हैं यहाँ पे? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल्स होते हैं, मतलब उसमें एक्स हो सकता है, उसमें वाई हो सकता है। किसी ने लास्ट टाइम कहा था कि ब्लैक कलर का इंक यूज़ कीजिएगा, तो उसको चेंज कर लेते हैं। और उसके पावर्स होते हैं, इसको हम इसको पावर कहते हैं। छोटी क्लास में हमने इसको पढ़ा हुआ है, एक्स रेज़ टू पावर 3। एक्स इज कॉल्ड एज बेस, 3 इज कॉल्ड एज इंडेक्स, इसी को हम पावर भी बोलते हैं। और इसके लॉज ऑफ इंडाइसेस भी हमने पढ़ा था, a raised to power m into a raised to power n is equal to a raised to power m plus n, ऐसे हमने बहुत से लॉस पढ़े थे। सो ये जो हमने वेरिएबल देखा और उसका पावर देखा और उनके जब हम एक्सप्रेशंस बनाते हैं, अब एक्सप्रेशन हम किसको बोलते हैं? एक्सप्रेशन हम बोलते हैं 2x plus 3y जैसी चीज़ को हम एक्सप्रेशन बोलते हैं। पर अगर इसी एक्सप्रेशन के साथ इक्वल टू डाल के कोई नंबर डाल दो, कोई कांस्टेंट डाल दो, जब उसमें इक्वेशन आ जाता है, इक्वल टू का साइन आ जाता है, तो उसे हम कहते हैं इक्वेशन, इसे हम कहते हैं इक्वेशन। तो ये जो एक साइड है इसे कहते हैं एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन कई प्रकार के हो सकते हैं, हम इस लेवल में सिर्फ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस पढ़ते हैं। तो आज पॉलिनोमियल्स हमको पढ़ना है। पॉलिनोमियल्स अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं और इनके वेरिएबल जो होते हैं वो हमेशा नॉन नेगेटिव इंटीजर पावर रहेंगे, राइट। ये चीज़ को ध्यान रखने वाली चीज़ है। अब नेक्स्ट चीज़ क्या देखते हैं, हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए, 2x³ - 4x² + 6x - 3, ये पॉलिनोमियल है। इसमें एक ही वेरिएबल यूज हुआ है, x इन वन वेरिएबल, राइट। ये एक्सप्रेशन भी है और इसको हम पॉलिनोमियल भी कहेंगे। अब हमने एक और एग्जांपल ले लिया। क्या एग्जांपल ले लिया, एक सेकेंड, हाँ, यहाँ पे दिया 8p⁻⁷, 4p² + 11p³ - 9p। अब भाई इसमें सारे p वेरिएबल हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और किसी का भी वैल्यू इंडेक्स का नेगेटिव नहीं है, राइट, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं। तो ये पॉलिनोमियल है वन वेरिएबल में, कभी कभी दो वेरिएबल में भी होते हैं, राइट। तो हमको ये चीज़ समझनी है कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं। अब देखो यहाँ पे ये वाला एग्जांपल, 4 दिया है 7x⁴/5। 4/5 दिखा रहा है कि ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसका इंडेक्स इंटीजर नहीं है, नॉन नेगेटिव इंटीजर नहीं है, राइट। इसीलिए ये जो एक्सप्रेशन है ये पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा बच्चों। तो अब तक हमने देखा कि अब हम अगर मोटा मोटी समझने की कोशिश करें तो एक एक्सप्रेशन रहेगा जिसमें वेरिएबल रहेंगे, पावर रहेगा, और जो पावर होगा वो +1, +2, +3 3/4, 1/2, -2, ऐसे सब पावर्स नहीं आएंगे, ठीक है, ओके। चलो अभी हम नेक्स्ट देखते हैं, 4/5 जैसे टर्म्स नहीं आएंगे, ठीक है। इसको हम नेक्स्ट पार्ट पे जाते हैं।
वॉट इज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल? डिग्री कैसे कहते हैं भाई? आप जब 12th स्टैंडर्ड कंप्लीट करते हो, फिर 3 साल और पढ़ाई करते हो, तब आपको डिग्री मिलती है. डिग्री टेल्स यू कि आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं, ग्रेजुएट हैं, आपकी पावर कितनी है, आप कितना पढ़े लिखे हैं. उसी तरह से पॉलिनोमियल की डिग्री ये बताती है कि पॉलिनोमियल कितना पावरफुल है, उससे वो पावर बताती है. व्हाट इज डिग्री ऑफ द फॉलोइंग बाइनोमियल? अब हम आपको एक बाइनोमियल देंगे. बाई मतलब टू, नॉमियल मतलब टर्म्स. दो टर्म्स वाला एक एक्सप्रेशन हम आपको देंगे और आपको उसकी डिग्री हमें बतानी है. अब देखो, 5x² + 3 ऐसा दे दिया. ये दो टर्म्स हैं, पहला टर्म और दूसरा टर्म, दोनों को ऐड करने के लिए प्लस दिया हुआ है, माइनस भी हो सकता था. इसकी डिग्री बतानी है तो वेरिएबल की जो डिग्री है वो डिग्री आपको बतानी है और वो है 2. सो इसका आंसर है 2. अब ऐसा आपको लास्ट आंसर हमेशा लिखना पड़ता है. 5x² + 3 इज़ ए पॉलिनोमियल इन x और इसकी डिग्री है 2. ठीक है. अब कभी कभी क्या होता है, इन केस ऑफ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज आल्सो कॉल्ड एज डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल. स्ट्रेट है ना, सिंपल है. नेक्स्ट, जहाँ पर दो वेरिएबल हैं, अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं हम, दो वेरिएबल है, x हो सकते हैं, y हो सकता है, p हो सकता है, q हो सकता है, m हो सकता है, n हो सकता है. कभी कभी दोनों अलग अलग आ सकते हैं, कभी कभी दोनों साथ में आ सकते हैं. ये सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो इनको एक एक करके देखते हैं. व्हाट इज़ डिग्री ऑफ फॉलोइंग पॉलिनोमियल? अब हमको पता है कि ये दो वेरिएबल में दिखाएगा, तो यहाँ देखो, ये दिखता है x² y³, यहाँ x³ है, यहाँ xy है, यहाँ y है, और यहाँ वेरिएबल नहीं है. तो आप x^0 और y^0 भी समझ सकते हैं अगर आप चाहें तो. अब इसमें हाईएस्ट कहाँ है? यहाँ पर दिख रहा है हाईएस्ट, तो 2 + 3 5 हो जाएगा, तो इस पॉलिनोमियल का डिग्री हो जाएगा 5. शांति से समझो, जल्दबाजी नहीं है, राइट? वापस से देखो, एक्सप्रेशन दिया, इस जगह को अच्छे से देखो, यहाँ x² भी है, y³ भी है, यहाँ x³ भी है, यहाँ xy है, यहाँ y ही है, तो हम कहेंगे आंसर 5 है. क्यों? बिकॉज वी ऐड स्क्वायर एंड क्यूब एंड द आंसर इज 5. सो इस एक्सप्रेशन की डिग्री है 5. नेक्स्ट, अरे वाह, आई गया. तो यहाँ पे देखो, हमको दिखता है 3 + 4 = 7, यहाँ पे x का स्क्वायर दिखता है, और यहाँ 2 दिखता है, यहाँ 1 दिखता है. सो क्लियरली दिख रहा है कि इस एक्सप्रेशन की डिग्री 7 है, और ये पॉलिनोमियल भी है. क्यों पॉलिनोमियल है? उसकी क्राइटेरियाज को सेटिस्फाई कर रहा है. क्राइटेरिया क्या थी? क्राइटेरिया ये थी कि दोनों नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होने चाहिए, दे रहे हैं, ठीक है, और फ्रैक्शन नहीं होने चाहिए अल्टीमेटली. तो अब हम उसका डेफिनेशन जैसा देख लेते हैं. डिफाइन नहीं होता है ये एग्जैक्टली, बट एक्सप्लेनेशन हो सकता है. इन केस ऑफ पॉलिनोमियल ऑन मोर देन वन वेरिएबल, ऑन मोर देन वन वेरिएबल, ऑन मोर देन वन वेरिएबल हम इसको पढ़ रहे हैं. इन केस ऑफ पॉलिनोमियल ऑन मोर देन वन वेरिएबल द सम ऑफ पावर्स ऑफ वेरिएबल इन ईच टर्म टेक्स अप द हाईएस्ट सम एंड दैट ऑब्टेन्ड सम इज कॉल्ड एज डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल. हाईएस्ट पावर ऑफ द सम गिव्स यू द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल. पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल. एक वेरिएबल में कितने प्रकार के पॉलिनोमियल्स हम पढ़ते हैं? मोनोमियल पढ़ते हैं. मोनो मतलब होता है वन, मियल मतलब होता है टर्म, पॉली मतलब होता है मैनी,
और नॉमियल मतलब होता है टर्म, मोनो का मतलब होता है वन, मियल का मतलब होता है टर्म, मोनोमियल, राइट। सो हम नेक्स्ट देखते हैं, ईच मोनोमियल इन ए पॉलिनोमियल इज ए टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल, राइट। द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ द टर्म इज कॉल्ड एज कोएफिशिएंट। नंबर फैक्टर मतलब क्या, अब ये 2x² y^3, यहाँ नंबर फैक्टर क्या है, 2 है, सो 2 इज कॉल्ड एज कोएफिशिएंट ऑफ x² y³, 2x^5, 2 इज द न्यूमरल फैक्टर या नंबर फैक्टर ऑफ द टर्म 2x² या 2x^5। सो ये चीज़ें छोटी छोटी हैं, समझना चाहिए। और नेक्स्ट देख लेते हैं हम क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ द फर्स्ट टर्म इन द पॉलिनोमियल इज कॉल्ड लीड कोएफिशिएंट। ये आपके टेक्स्ट बुक में इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट आपको मालूम होना चाहिए। अगर आपके पास जैसे थोड़ी देर पहले एक एग्जांपल लिया था x² + 5 टाइप ऑफ दिस, फर्स्ट टर्म क्या है, x² है, इसका कोएफिशिएंट है 1, तो 1 कहलाया जाएगा लीड कोएफिशिएंट, क्लियर। आराम से देखो, जल्दी नहीं है। टू पॉलिनोमियल्स विद सेम टर्म, राइट, ए पॉलिनोमियल विद टू टर्म्स इज कॉल्ड एज बाइनोमियल। हम एक्चुअली सेम सिमिलर पॉलिनोमियल पे जा रही थी मैं, पर मुझे लगा ये प्रॉपर्टी क्लियर कर देती हूँ। पॉलिनोमियल जिसमें दो टर्म्स हैं, दो को बोलते हैं बाइनोमियल, मतलब टर्म, NOMIAL, नॉमियल, बाइनोमियल, दो टर्म्स। एग्जाम्पल अभी देखा था थोड़ी देर पहले, थ्री टर्म्स अगर रहेगा तो हाँ तो रह सकता है, जैसे इक्वेशन ऐसा होता है ax² + bx + c, इसमें 1, 2 और 3 टर्म्स हैं, इसका नाम है ट्राई नॉमियल, मतलब टर्म्स, ट्राइनोमियल्स। सो दिस इज इट, हमने पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ा, तो हमने क्या क्या पढ़ा, रिवाइज करते हैं फटाफट ताकि आपके दिमाग में चीज़ें बैठ जाए। पॉलिनोमियल में पॉली का मतलब होता है मैनी, नॉमियल का मतलब होता है टर्म्स, अगर एक ही टर्म है तो उसको हम मोनोमियल बोलते हैं, अगर दो टर्म्स हैं उसको बाइनोमियल बोलते हैं, और अगर चार टर्म्स है या तीन टर्म्स हैं, तीन है तो ट्राइनोमियल बोलते हैं, चार है या उससे ज़्यादा पॉलिनोमियल बोल देते हैं, ठीक है। सो पॉलिनोमियल क्या है, पॉलिनोमियल एक्चुअली एक्सप्रेशन है, कैसा एक्सप्रेशन है, जिसमें न्यू नंबर होता है एक फैक्टर और एक फैक्टर होता है वेरिएबल x, y, z, x² y² ऐसा, ठीक है। और उसकी खासियत क्या होती है, उसका इंडेक्स पावर जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होता है। सो हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, स्टेट वेदर द गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल और नॉट एंड देन जस्टिफाई। अब इसको देखो, 1/y दिख रहा है तो ये वैसे ही डिनोमिनेटर में है, कोई भी चीज़ जो डिनोमिनेटर में होती है उसकी वैल्यू न्यूमिनेटर में आते समय -1 हो जाती है उसकी डिग्री। सो ये बन जाएगा y + y^-1, ठीक है। सो दिस कैन नॉट बी द पॉलिनोमियल क्योंकि -1 आ गया, बस दिस इज व्हाट इट इज। नेक्स्ट देखो, 2 - 5 x^1/2, x^1/2 ये पॉजिटिव इंटीजर तो नहीं है, ये एक रैशनल नंबर है, इसीलिए ये पॉलिनोमियल या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो दिया है वो पॉलिनोमियल नहीं है। अब इसको देख लो, x² + 7x + 9, पहला वाला, दूसरा वाला, तीसरा वाला, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिख रहा है, डिग्री भी प्लस में ही है, सो ये जो है
ये आपका पॉलिनोमियल है। अब यहाँ पे 2m raised to power minus 2 plus 7m, जब आप इसको सिंप्लीफाई करने जाएंगे, राइट, जब आप इसको सिंप्लीफाई करने जाएंगे तो ये काफ़ी मेसी हो जाएगा, बट करने की ज़रूरत ही नहीं है। आपका क्वेश्चन पूछा है पॉलिनोमियल है या नहीं, तो आप बोलिए कि भाई दिस इज़ माइनस टू, इसी लिए इट इज़ नॉट ए पॉलिनोमियल। ठीक, तो चलो इसको देखते हैं कैसे लिखते हैं। पहला वाला नो है बिकॉज वन अपॉन वाई माइनस वन होता है, माइनस वन है उसकी डिग्री, इसीलिए नेगेटिव नंबर है, इसलिए आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा वाई इट इज़ नॉट, इसीलिए आंसर दिखा रही हूँ मैं आपको। ये भी नहीं है बिकॉज फाइव अंडर रूट एक्स इज 0.5 डेसिमल नंबर, सो वो पॉलिनोमियल है। तीसरा, ऑल कोएफिशिएंट्स आर रियल नंबर्स, तीसरा वाला ऑल कोएफिशिएंट्स आर रियल नंबर्स, ठीक है। आप नेक्स्ट पे जाइए। फोर्थ क्वेश्चन, नो व्हाई, बिकॉज द पावर ऑफ m इन सेकेंड टर्म इज माइनस टू विच इज नेगेटिव। तो हम नेक्स्ट देखते हैं। अब ये अगर आपका हो जाए तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो या लिख के समझ जाओ। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स बेस्ड ऑन डिग्री। अभी थोड़ी देर पहले हमने टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन टर्म्स पढ़ा था। कितने टर्म्स हैं? एक टर्म है तो उसे हम बोलेंगे मोनोमियल। अगर दो टर्म्स हैं तो मोनोमियल भी बोलेंगे, और उसके बाद में कांस्टेंट है, जो ये ऐसा स्टेटमेंट डालेंगे, ठीक है। सो अब हम देखते हैं बेस्ड ऑन डिग्री, जिस प्रकार से डिग्री आ रही है उस हिसाब से। ओके, नाउ जस्ट सी दिस, 3x माइनस वन, कहाँ हैं हम? यहाँ पे हैं हम, 3x माइनस वन और 7y। 3x माइनस वन डिग्री इधर वन है, 7y डिग्री इधर वन है, सो अल्टीमेटली उसकी डिग्री वन है, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल हुआ। स्टैंडर्ड फॉर्म है ए एक्स प्लस बी, हियर ए बी आर द कोएफिशिएंट्स एंड ए इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, सो दिस इज वन वे ऑफ राइटिंग द पॉलिनोमियल। नेक्स्ट, अब ये आपको दिया है वाई स्क्वायर एंड ऑल, इसकी डिग्री टू है, और ये दिख रहा है कि इसका क्लियर सोल्यूशन नहीं हो पाएगा उसका। अगर कर लिया बच्चा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पाया तो उसको परेशान नहीं करना, नहीं तो वो कहीं और जाके सीख के आएगा गलत गलत। नेक्स्ट, एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस टू एक्स प्लस रूट थ्री या एम माइनस एम, ऐसे कुछ भी दिया हुआ है। अब इसकी डिग्री थ्री है, ये क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे। एक्स क्यूब डिग्री यहाँ पे थ्री है, जब इसकी डिग्री थ्री है तो ये पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री थ्री है, पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री टू है, पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री वन है, तो डिपेंडिंग ऑन दैट आपको नाम मिलेगा। कोएफिशिएंट फॉर्म ए बी होता है, और ए बी का डायरेक्ट सॉल्यूशन होता है दिस इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। नेक्स्ट, दिस इज अ पॉलिनोमियल, दिस इज एक्चुअली मोनोमियल, दिस इज बाइनोमियल एंड दिस वन बिकम्स द ट्राइनोमियल और द थर्ड वन। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, राइट द कोएफिशिएंट ऑफ एम क्यूब इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें एक्सरसाइज साथ साथ करनी है, हमारे पास टाइम कम है, एग्जाम आ चुका है, इसलिए एम क्यूब है तो एम क्यूब तो है, तो एम स्क्वायर नहीं है, एम नहीं है, कॉन्स्टेंट टर्म नहीं है, ठीक है, तो हम इसके सामने ज़ीरो लगा देते हैं, और ये हो गया ज़ीरो एम, और ये हो गया ज़ीरो। सो कोएफिशिएंट ऑफ एम क्यूब क्या है? जिसका कोई नहीं होता उसका वन होता है, राइट, सो इसका कोएफिशिएंट है वन।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो तुम, जल्दबाजी नहीं करना. -3/2 + m, ये 3/2 जो है ना वो m के साथ है, उसके साथ चिपक के नहीं आ रहा, उसका पार्ट नहीं है, इसीलिए m का कोएफिशिएंट यहाँ पे 1 आ जाएगा और यहाँ पे √3 आ जाएगा. वी कैन जस्ट से दैट कोएफिशिएंट ऑफ m इज़ 1/(1)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 /(1
वन और यहाँ पे कोएफिशिएंट रूट थ्री है, माइनस रूट थ्री, बट उसने एम क्यूब पूछा है, तो आपको एम नहीं बताना है, आपको एम क्यूब ही बताना है। अब यहाँ पे एम क्यूब इस जगह पे, सो ये जगह टू अपॉन थ्री एम क्यूब। एम क्यूब का कोएफिशिएंट कितना है? टू अपॉन थ्री माइनस। सो चीज़ें सिंपल हैं, समझना चाहिए बस। अगर आपको समझ में आ गया तो चीज़ें बहुत आसान है बेटा। अब हम जाएंगे थर्ड क्वेश्चन पे। अच्छा आंसर्स देख लेते हैं। अच्छा ये समझ तो लिया हमने, अब आंसर्स देख लेते हैं कैसे होगा। आंसर्स देखने के लिए हम आंसर्स को डायरेक्टली आंसर आपके सामने टाइप कर देंगे। फर्स्ट आंसर, एम क्यूब यहाँ पर है, उसका कोएफिशिएंट वन है, मेक सेंस। इधर एम क्यूब है इधर में और उसका कोएफिशिएंट है माइनस अंडर रूट एक्स। नेक्स्ट आप जा रहे हैं यहाँ पर, राइट, और यहाँ पे कोएफिशिएंट है टू अपॉन थ्री, टू अपॉन थ्री, माइनस टू अपॉन थ्री इज द कोएफिशिएंट ऑफ एम क्यूब। क्लियर? सो अब हमने ये देख लिया, अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट वाला, एंड दैट इज राइट द पॉलिनोमियल इन एक्स यूजिंग गिवन इन्फॉर्मेशन। मोनोमियल बनाना है, डिग्री सेवन चाहिए, वेरिएबल उसने ऑलरेडी आपको दिया है एक्स, तो आप यहाँ एक्स लिख दीजिए, डिग्री उसकी सेवन होनी चाहिए, यहाँ आप सेवन डालिए, ट्वेंटी सेवन डालिए, वन ट्वेंटी सेवन डालिए, थ्री वन टू सेवन डालिए, यहाँ कोई नंबर माने नहीं रखता। इसने स्पेसिफिकली बोला कि आपको पॉलिनोमियल बनाना है वेरिएबल एक्स लेकर और डिग्री सेवन लेकर, डिग्री सेवन लेकर। होपफुली आपको समझ में आया होगा, और वैसे भी हम आपको आंसर लिख के दिखा देंगे, पर सेकेंड वाला भी देख लीजिए। बाइनोमियल क्या करना है? बाइनोमियल, सो समथिंग लाइक टू एक्स प्लस थ्री वाई इज इक्वल टू सम नंबर सेवन, कुछ भी नंबर है उससे कोई लेना देना नहीं हमको, ठीक है। आप यहाँ थर्टी सेवन डालिए, आपकी मर्जी, कोई भी नंबर। अब बाइनोमियल इन एक्स विद डिग्री 35, सो इसका डिग्री 35 है, इसका डिग्री भी 35 है, इसका डिग्री भी 35 है, ठीक। सो हमने फ्रेम कर रहे हैं हमारे मर्जी से, ट्राइनोमियल बनाना है मतलब ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये जो सी है इसको टी बना दो या एक्स बना दो, यहाँ पे भी x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर जाता है और यहाँ पे ए स्क्वायर तो है ही है। सो ठीक है, अभी हमने एक आइडिया ले ली, अब हम इसका आंसर प्रॉपरली लिखना देख लेते हैं। मोनोमियल विद डिग्री सेवन पहला वाला, सेकेंड या ट्राइनोमियल विद डिग्री एट, ओके, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल इज लार्जेस्ट एक्सपोनेंट ऑफ दैट वेरिएबल। फॉर एग्जांपल, टू ए कांस्टेंट हैज़ नो वेरिएबल, सो इट हैज़ द डिग्री ज़ीरो। कांस्टेंट को कोई वेरिएबल नहीं होता और उसको डिग्री ज़ीरो होती है। फोर एक्स प्लस वन, एक्स आ गया, उसकी डिग्री वन आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब ये ट्राइनोमियल है, फाइव एक्स स्क्वायर, फाइव एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस फोर्टीन, ऐसे ट्राइनोमियल है।
हमको पता करना है कि x की वैल्यू कितनी कितनी जा सकती है। सो यहाँ हम सॉल्व कैसे करते हैं, यहाँ हमको बोला है पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। सो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल ये आपके पास में तैयार है, और ये 5x² है, 2x-14। डिग्री इसकी 2 है। नेक्स्ट और एक क्वेश्चन आ गया उसी प्रकार का, आप सॉल्व कर पाएंगे इसको। इसकी डिग्री कितनी है, इसकी डिग्री 3 है, इसकी डिग्री 2 है और इसकी डिग्री 1 है, ठीक। ओके और अगर इसका नाम बोलें टर्म्स में तो ये मोनोमियल है, ये बाइनोमियल है, ये ट्राइनोमियल है और ये भी बाइनोमियल है। अच्छा तो हमने देख लिया था कि डिग्री क्या होती है, डिग्री वो होती है जो वेरिएबल है, जो भी आपके पास वेरिएबल है उस वेरिएबल पे अगर कुछ भी पावर होता है, कुछ भी डिग्री होती है, वो पॉलिनोमियल की डिग्री होती है। भाई यहाँ तो एक्स ही नदारत है, एक्स है ही नहीं। सो अंडर रूट 5 एक्स रेस्ट पावर 0, मतलब एक्स रेस्ट पावर 0 आपको पता है रेस्ट पावर 0 इज इक्वल टू 1 होता है। अच्छा नहीं पता था तो पता कर लीजिए, किसी भी अल्फा वेरिएबल का अगर उसकी डिग्री आप 0 कर देंगे तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है, एक्स रेस्ट पावर 0 भी 1 हो जाता है, राइट। तो इसकी डिग्री क्या है भाई, डिग्री हो गई 0। अब ये एक्स रेस्ट पावर 0 ही दिखा रहा है तो इसकी डिग्री कितनी हो गई 0, इसकी डिग्री कितनी हो गई 0। एक्स स्क्वायर डिग्री कितनी हो गई 2, राइट। अब फिर से दे रहा है अंडर रूट 2 एम रेस्ट पावर 10-7। ये अंडर रूट 2 अगर इंडेक्स में जाता तो पॉलिनोमियल होता ही नहीं। अंडर रूट 2 3/2 एम रेस्ट पावर 10 ऐसा कुछ भी आने दो, 10 आने दो, 16 आने दो, जो भी आ जाए। सो कंसेप्ट पकड़ के चलना, जो भी वेरिएबल है उसका जो हाईएस्ट पावर है दैट इज नथिंग बट द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक। ओके तो अभी हमने ये देख लिया इसका डिग्री 0 था, इसका भी 0 था, इसका 2 था, इसका 10 था। व्हाट अबाउट दिस, P के ऊपर 1 दिख रहा है, जिसको कुछ नहीं होता उसको 1 होता है, सो इसकी डिग्री 1 हो गई। यहाँ पे हाईएस्ट पावर 5 है तो इसकी डिग्री 5 हो गई। यहाँ x इंटू y इंटू z है तो इसकी डिग्री 3 हो गई। ये है एम क्यू एन रेस्ट पावर 7, तो ये हो जाएगा 3+7 विच इज इक्वल टू 10। एम रेस्ट पावर 5 इंटू एम 5+1 इज इक्वल टू 6। सो अल्टीमेटली जब आप इसको देखेंगे, इसकी पावर ये वाली की होती है 10, ये रिवर्ट करके हमको मिलेगा 5+1 6, ठीक है। इसको देखते हैं कि लिखना कैसा है, क्योंकि भाई समझ में तो आ जाता है पर लिखने में ही सब लोचे होते हैं, तो हमको लोचा नहीं करना है और हमको लिखना सीखना है। तो पहला आंसर, ये आपका क्वेश्चन है डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 0। सेकेंड क्वेश्चन, एक्स रेस्ट पावर 0 डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 0। एक्स स्क्वायर द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 2। हियर अंडर रूट 2 एम रेस्ट पावर 10, तो द हाईएस्ट पावर ऑफ एम इज 10, हेंस द डिग्री इज 10। 2p-√7, हियर द highest power of p is 1 and the degree of the polynomial is 1, ठीक। नेक्स्ट देख लेते हैं, अब ये दिया है highest power of y is 5, hence degree of the polynomial is 5। ये वाला क्वेश्चन अब देखो, highest power of y is 5, hence degree of the polynomial is 5। 8th क्वेश्चन, एक्स वाई जेड प्लस एक्स वाई माइनस जेड, तो ये क्या है, अभी देखा था हमने,
इसकी डिग्रियां कितनी आ रही है, x की 1, y की 1, z की 1, इसमें वैल्यू आ जाएगी डिग्री की 3. सो 1 प्लस 1 प्लस 1 दैट बिकम्स इक्वल टू 3. दिस इज द हाईएस्ट सम ऑफ द पावर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, हेंस डिग्री इज 3. ये एक क्वेश्चन बार बार एग्जाम में टीचर पूछती हैं, ये वाला और इसके बाद वाला, ये वाला भी पूछती हैं. तो ये दो क्वेश्चंस है ना, इनको ध्यान रखना बेटा, ये दो क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं. इसकी डिग्री 3 है, हम 1 लिख देते हैं कभी कभी, और इसकी डिग्री 10 है और हम 5 लिख देते हैं, 7 लिख देते हैं, क्योंकि हमको हाईएस्ट नंबर वहाँ पे वही नज़र आता है. सो देखो कैसे लिखते हैं. हियर द सम ऑफ पॉलिनोमियल पावर्स ऑफ एम एंड एन इज 7 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 10 विच इज़ द हाईएस्ट सम ऑफ पावर इन द गिवन पॉलिनोमियल एंड द डिग्री इज 10. होप ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा और एग्जाम में आएगा तो आप गलत नहीं करेंगे. अब क्लासीफाई देम एज लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक. डिग्री 1 लीनियर, डिग्री 2 क्वाड्रेटिक, डिग्री 3 क्यूबिक. छोटा बच्चा भी बताएगा डिग्री इज 2 क्वाड्रेटिक, डिग्री 1 लीनियर, डिग्री 1 लीनियर, डिग्री 3 क्यूबिक, डिग्री 2 क्वाड्रेटिक, डिग्री 3 क्यूबिक. वो तो न्यूमेरिकल देखते ही पता चल गया क्योंकि आपने इसको इतने अच्छे से समझ लिया है. बस आंसर लिखना कैसे वो समझना इम्पॉर्टेंट है. लीनियर पॉलिनोमियल सेकेंड और थर्ड है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फर्स्ट और 5 है, क्यूबिक पॉलिनोमियल फोर्थ और 6th है. अब यहाँ पे उन्होंने रीज़न नहीं दिया तो आप इनको रीज़न नहीं देंगे. क्लासीफाई बोला, सीधा आंसर क्लासीफाई किया. जस्टिफाई योर आंसर बोलता तो फिर आप एक्सप्लेनेशन देते, द हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स स्क्वायर इज 2 एंड ऑल. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन कैसा फ्रेम हुआ उस हिसाब से आप आंसर देंगे, ठीक है. अब यहाँ देखिए एग्जाम्पल देखिए, 5 है राइट, 5 है, डिग्री इसकी 0 है. क्लासीफाई इसको करते हैं कांस्टेंट करके, और डिग्री से इसको क्लासीफाई करते हैं कांस्टेंट, और टर्म्स इसको बोलेंगे एक ही टर्म है इसलिए मोनोमियल. अब नेक्स्ट देख लो, यहाँ पे 2 टर्म है, डिग्री 1 है. डिग्री 1 होने के कारण से उसका नाम डिग्री के हिसाब से लीनियर हो जाएगा, और टर्म 2 है इसलिए ये बाइनोमियल हो जाएगा. देखो 2 टर्म मतलब एक टर्म ये और एक टर्म ये, 2 टर्म हो गए इसीलिए बाय टर्म्स की ओर. डिग्री एक्स के ऊपर कितना पावर है, 1 है, इसीलिए 1. होप आपको समझ में तो आ गया होगा. हम अब नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर भी 2 टर्म दिखे राइट, टर्म्स हमको 2 दिख रहे हैं मतलब वो बाइनोमियल ही हुआ. डिग्री इसकी 2 है इसीलिए इसको क्वाड्रेटिक बोलते हैं. वापस देखो, यहाँ पर डिग्री इसकी 3 है इसलिए इसको क्यूबिक बोलते हैं, और इसमें 1, 2, 3 टर्म्स हैं इसीलिए इसको ट्राइनोमियल. अच्छा अब एक बार इसको अच्छे से वापस से समझ आइए. नॉमियल का मतलब होता है टर्म, नॉमियल का मतलब होता है टर्म. पॉलीनोमियल में भी नॉमियल आता है, पॉली मतलब मैनी, मोनो एक टर्म, बाइनोमियल 2 टर्म, ट्राइनोमियल 3 टर्म. कितने सिंपल है, तो एग्जांपल्स एकदम इजी हैं, आप कीजिएगा. नेक्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है, हमने इसको इस प्रकार से रखा है ताकि आपको चीज़ें देखने में मज़ा आए और पढ़ने में मज़ा आए. कन्वर्ट करना है आपको, किसको कन्वर्ट करना है, पॉलिनोमियल को. किस में करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में. स्टैंडर्ड क्या होगा, या तो बड़े से नीचे छोटा जाएगा या छोटे से बड़ा जाएगा. टीचर बड़ा क्या होगा, कोएफिशिएंट या डिग्री, डिग्री डिग्री. आप डिग्री चेक करेंगे
कि भाई कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। अच्छा देखते हैं, उसमें दो टर्म रहेंगे, फेस वन फेस टू। हम आराम से समझेंगे, जल्द नहीं करना। फेस वन क्या होता है, रीराइट द पॉलिनोमियल इन स्टैंडर्ड फॉर्म। उसमें आपको करना क्या होता है, आपको रीअरेंज करना होता है। क्या करना होता है आपको, रीअरेंज करना है आपको। पहले इसमें फर्स्ट फेज में आप क्या करेंगे, रीअरेंज करेंगे। कैसे रीअरेंज करेंगे, लार्जेस्ट वैल्यू से स्टार्ट करेंगे और लोएस्ट वैल्यू या लोएस्ट डिग्री पे जाएंगे। अगर ये ऐसा है 2x² प्लस 5x रेस्ट पावर 7 प्लस एक्स प्लस 3x रेस्ट पावर 8, ऐसा कुछ दिया हुआ है आपको, तो आप पहले इसको रीअरेंज करेंगे। कहाँ से स्टार्ट करेंगे, लार्जेस्ट वैल्यू और द लार्जेस्ट डिग्री। सो आप इसको लिखेंगे 3x रेस्ट पावर 8, ये आ गया फर्स्ट टर्म। फिर आप इसको लिखेंगे प्लस 5x रेस्ट पावर 7। फिर आप इसके बाद इसको लिखेंगे 2x² हो गया। अब बचा कौन है, x प्लस x डालेंगे। तो फर्स्ट फेज में आप पहले इसको ऐसे लिखेंगे, नेक्स्ट फेज में आप क्या करते हैं, राइट, नेक्स्ट फेज में आप इसको क्या करते हैं, नेक्स्ट फेज में आपको जो भी कोएफिशिएंट्स दिया है, राइट, उनको ध्यान से देखना है। 3 है, x रेस्ट पावर 8 है, 5x रेस्ट पावर 7 है, ठीक है। लीडिंग कोएफिशिएंट जो है वो पॉजिटिव ही होना चाहिए, और जो मिसिंग कोएफिशिएंट्स हैं उनको आप 0 0 0 डाल सकते हैं, ठीक है। तो अब इस इक्वेशन को हम कैसे लिखेंगे, मैं नीचे लिखती हूँ, 3x रेस्ट पावर 8 5x रेस्ट पावर 7 प्लस 6 है क्या, नहीं, 0x रेस्ट पावर 6 प्लस 5x रेस्ट पावर 5 नो 0x रेस्ट पावर 5 राइट 0x रेस्ट पावर 4 क्योंकि x रेस्ट पावर 4 भी नहीं है, x रेस्ट पावर 3 भी नहीं है, इसलिए 0x रेस्ट पावर 3। बट x स्क्वायर है, 2x² भी है और x भी है। सो नाउ दिस इज इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, जहां आपने सारे कोएफिशिएंट्स को लिखा है और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा है, ठीक है। दिस इज व्हाई आपके पास आया इतना बड़ा इक्वेशन। कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको फर्स्ट टर्म बनाएंगे, इसको सेकंड टर्म बनाएंगे, इसको थर्ड टर्म बनाएंगे। आप टर्म कौन से बनाएंगे पहले समझ जाइए, पेंसिल से लिख दीजिए चाहिए तो उस पर, एम क्यूब प्लस 5m² प्लस 3 हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म, क्वेश्चन खत्म। मैथ्स बहुत इजी होता है एक्चुअली। ये आप फर्स्ट टर्म बनाएंगे, फिर आप ये सेकेंड टर्म बनाएंगे, फिर आप इसको थर्ड टर्म बनाएंगे। स्क्वायर है क्या भाई, है, देखो वापस देखते हैं इसको एक बार फिर से देख लीजिए आप चाहें तो। देखिए 5 है इसलिए इसको फर्स्ट टर्म बनाएंगे, यहाँ 4 है इसलिए इसको सेकेंड टर्म लिखेंगे, फिर 3 है क्या, हाँ हाँ 3 है, इसको थर्ड टर्म लिखेंगे। स्क्वायर है क्या, है, इसको फोर्थ टर्म लिखेंगे। उसके बाद में y आ जाएगा फिफ्थ टर्म और कांस्टेंट नंबर आएगा सिक्स्थ टर्म। बस इसी को लिख देना है ऑर्डर में और आपका आंसर आ जाएगा। देखते हैं कैसे लिखना है। तो पहला वाला तो क्लियर है, दूसरा वाला कैसा बताया, वाई रेस्ट पावर 5, वाई रेस्ट पावर 5 पहला टर्म है, सेकेंड टर्म ये आ गया, थर्ड टर्म हमने स्पेसिफाई किया था, फोर्थ टर्म वाई स्क्वायर है, फिफ्थ टर्म हमारे पास वाई है, और बचता जो है वो आपका यहाँ टर्म है। अच्छा ये 1/12 रहेगा। जब मैं पीपीटी में पेस्ट करती हूँ तो कभी कभी ऐसे चेंजेस हो जाते हैं बिकॉज उनके पास में वो फॉन्ट्स नहीं होते। 1/2 है, ये 12 नहीं है, करेक्शन कीजिएगा इस जगह पे। इट्स नॉट 1/2, इट इज़ या इट्स 1/2 इन द क्वेश्चन। यहाँ पर भी ये 1/2 ही आएगा, 12 नहीं आएगा। ये पीपीटी में लिखते जब हम पेस्ट करते हैं तो ऐसे चेंजेस कभी कभी हो जाते हैं, तो काइंडली बेयर विद मी एंड मेक दिस करेक्शन। ये करेक्शन है, देख लीजिएगा। ओके नेक्स्ट,
कोएफिशिएंट फॉर्म, राइट? कोएफिशिएंट फॉर्म क्या होता है? जो भी कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट किसको कहते हैं, वापस याद करके देते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में ए बी और सी जो हैं वो कोएफिशिएंट्स थे, और जो एक्स है उसको हम वेरिएबल बोलते हैं। अब हमें क्या बनाना है? कोएफिशिएंट का फॉर्म बनाना है, मतलब हमको ए बी और सी लिखना है। माने क्या टीचर, आपने जो बोला हम सब भूल गए? ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम फिर से सिखाएंगे आपको। अब आपके पास क्वेश्चन है एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वेयर प्लस ज़ीरो एक्स माइनस एट। भाई जो भी दिया था उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आए। अब इसका कोएफिशिएंट है वन, तो आपने लिख दिया वन, कॉमा डाल दिया। उसके बाद नेक्स्ट कंसेक्यूटिव इज माइनस थ्री, कॉमा डाल दिया। फिर प्लस ज़ीरो, कॉमा डाल दिया। माइनस एट, ये बन गया आपका कोएफिशिएंट फॉर्म। ठीक, अब ये वाला एग्जांपल देखो, एक्सप्रेशन जो दिया है उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना, उसके बाद जो नहीं वैल्यूज हैं उनको ज़ीरो ज़ीरो डालना, और बाद में उठाते जाना फोर कॉमा ज़ीरो कॉमा माइनस फाइव कॉमा ज़ीरो कॉमा वन। सो अगर आप ऐसे लिखते हैं तो ये कोएफिशिएंट फॉर्म है। तो बस कोएफिशिएंट फॉर्म ही निकालना आता है? अरे नहीं रे बाबा, ये भी आ सकता है। अगर आपके पास वन माइनस थ्री टू एट ऐसा कोएफिशिएंट फॉर्म दिया है तो क्या आप इसका स्टैंडर्ड फॉर्म बना सकते हैं? तो हाँ बना सकते हैं हम। एट जो रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा, आप एट लिख दीजिए। फिर यहाँ से शुरू हो जाइए, इस पर एक्स लगाइए, इस पर एक्स स्क्वायर लगाइए, और इसको एक्स क्यूब लगाइए। सो ये बन जाएगा एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस एट। ये आपका बन गया नॉर्मल पॉलिनोमियल इन द स्टैंडर्ड फॉर्म कोएफिशिएंट फॉर्म से। एक बार और रिपीट करें, एक क्वेश्चन और देखेंगे वापस से, आगे आएगा ये आएगा, बट अभी ही कैसा वाइस वर्सा पढ़ लिया तो ईजी होता है। अब सपोज ये है आपके पास एक्स रेस टू पावर थ्री प्लस टू, ये है स्टैंडर्ड फॉर्म कैसा रहेगा इसका, एक्स क्यूब फिर ज़ीरो एक्स स्क्वायर प्लस ज़ीरो एक्स प्लस टू। इसका कोएफिशिएंट फॉर्म रहेगा वन कॉमा ज़ीरो कॉमा ज़ीरो कॉमा टू, कोएफिशिएंट फॉर्म रहेगा, राइट? और कोएफिशिएंट फॉर्म से अगर ये ऐसा दिया होता वन ज़ीरो ज़ीरो टू, सोचो भूल जाओ ऊपर दिया है आंसर, तो इसका हम स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे बनाते? हम बोलते कि भाई टू जो है वो कांस्टेंट रहेगा, इसके साथ हम एक्स लगाएंगे, तो ये हो जाएगा ज़ीरो एक्स फिर ज़ीरो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। सो अल्टीमेटली यू गेट एक्स क्यूब। ओके, आई थिंक अभी आपको समझ में आ गया है वो बाई चांस। चलो न्यूमरिकल नंबर सेवन एक्सरसाइज ख़त्म करना है, ख़त्म होते आ गया है एक्स क्यूब माइनस टू, तो एक्स क्यूब रहेगा ज़ीरो एक्स स्क्वायर रहेगा ज़ीरो एक्स माइनस टू हो जाएगा, जहाँ कुछ नहीं वहाँ पे ज़ीरो प्लस प्लस डाल दीजिए, वन कॉमा ज़ीरो कॉमा ज़ीरो कॉमा माइनस टू। ये आपका कोएफिशिएंट फॉर्म तैयार हो गया। फाइव वाई है, फाइव वाई है, इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं है इसलिए वो ज़ीरो हो जाएगा। सो इसका कोएफिशिएंट फॉर्म होगा फाइव ज़ीरो। यहाँ पे क्यूब गायब है, टू एम रेस्ट पावर फोर माइनस थ्री एम स्क्वेयर प्लस टू। सो आप लिखेंगे टू एम रेस्ट पावर फोर प्लस ज़ीरो एम क्यूब, फोर है ना थ्री आएगा, माइनस थ्री एम का स्क्वायर, एम गायब है, ज़ीरो एम प्लस टू, ज़ीरो कॉमा टू कॉमा माइनस थ्री कॉमा ज़ीरो कॉमा टू, दैट्स इट। सो अभी हम इसको देखते हैं, हमने आंसर्स लिख के रखे हैं।
लास्ट वाला कांस्टेंट है तो एक ही टर्म आएगा, मैं जल्दी निकालती हूँ इसको। आई थिंक आपको समझ में तो आ ही गया है। स्टैंडर्ड फॉर्म पहले लिखेंगे जीरो ज़ीरो डाल के, बाद में पॉलिनोमियल को लिखेंगे। आप एक काम कर सकते हैं, आप इसको लिखना स्टार्ट कर सकते हैं और बाद में वीडियो को पॉज करके सारे आंसर चेक कर सकते हैं। अगेन यहाँ पर सेम इशू है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, ये 2/3 दिख रहा है, यहाँ पे -2/3 है, -2/3 दैट इज़ -2/3, पर वो 23 नज़र आ रहा है अपॉन साइन, वो मेरे हाथ से मिस हो गया, मैंने ध्यान नहीं दिया, इट्स माई मिस्टेक, नेक्स्ट टाइम आई विल सी टू इट दैट ये मिस्टेक ना हो। नाउ वन क्वेश्चन, राइट द पॉलीनोमियल इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, तो आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, ये 5 है, देखो ये फर्स्ट टर्म रहेगा 5, एम रेस्ट पावर 4 वाला सेकेंड टर्म रहेगा, थर्ड टर्म क्यूब का रहेगा, देन फोर्थ टर्म 0 एम रेस्ट पावर 2, फिर ये फिफ्थ टर्म रहेगा और ये सिक्स्थ टर्म रहेगा। पहला पेंसिल से डाल देने का इजी होता है हमको लिखने को, 3 एम रेस्ट पावर 5, देन द नेक्स्ट टर्म इज 0, 0 एम रेस्ट पावर 4, देन यू हैव दिस इज द थर्ड टर्म प्लस 5 एम क्यूब, फिर नेक्स्ट टर्म इज 0 एम रेस्ट पावर 4 एंड सो ऑन, लाइक यू जस्ट क्लियर इट आउट। आपको लिखना है, आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो हम डायरेक्टली आंसर्स ही देख लेते हैं। राइट द इंडेक्स फॉर्म, तो आप इंडेक्स में लिखते हैं, कोएफिशिएंट फॉर्म में सिर्फ वेरिएबल हटा देते हैं, नंबर नंबर लेते हैं, डिग्री ऑफ द पॉलीनोमियल लिखना है। सो डायरेक्ट आंसर दे देती हूँ मैं आपको स्टैंडर्ड फॉर्म। इंडेक्स फॉर्म में लिखना है, आप 0 0 डालते हैं, कोएफिशिएंट फॉर्म में लिखना है, आप वेरिएबल उड़ा देते हैं, डिग्री ऑफ द पॉलीनोमियल द हाईएस्ट ऑर्डर 5। सो दिस इज़ वेरी क्लियरली एक्सप्लेन टू यू। कभी कभी इंडेक्स फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्फ्यूजन हो रहा होता है, तो जस्ट डोंट गो विद दैट, आई थिंक आई हैव मेड द थिंग्स वेरी क्लियर इन दिस लास्ट एग्जाम्पल। अब ये देखो पॉलीनोमियल दिया है, इसे कोएफिशिएंट फॉर्म में लिखना है, और यहाँ पर भी दिया है, इसको भी कोएफिशिएंट फॉर्म में लिखना है, तो बस सिंपल हो जाता है, आप 0 डाल दीजिए, क्यूब है और स्क्वायर नहीं है और एक्स है, तो 0 डाल दीजिए। नेक्स्ट देखो, ग्रेट। अब यहाँ पे, अब ये इसमें ना, यहाँ पे इसको छोड़ देना, 1 2 3 4, अब कोएफिशिएंट दिया होता है तो ठीक, नहीं तो हम एक्स लेते हैं, तो ये बन जाएगा 2x^4 -1x³ प्लस 0x² 0x² प्लस 5x प्लस 6। सो दिस बिकम्स ईजी फॉर अस अगर हम पेंसिल से नंबर डाल दें तो, और कुछ प्रैक्टिस के बाद वो नंबर की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, आप डायरेक्ट कोएफिशिएंट फॉर्म डाल सकते हैं, राइट, और इंडेक्स फॉर्म भी डाल सकते हैं। आपको दोनों समझ में आ गए हैं, पॉलीनोमियल इन द इंडेक्स फॉर्म। अब मैं ये आपको वीडियो पॉज करने बोलूँगी और आप इसको पॉज करेंगे और आप इसके आंसर्स लिखेंगे और फिर उसके बाद आंसर्स को टैली करेंगे, कोएफिशिएंट कितने कोएफिशिएंट है, 1 2 3, तो डिग्री कितनी रहेगी, 2। आप 2 की वेरिएबल के हिसाब से बना दीजिए, और वो वैसे अगर ऐसा ना भी समझता है तो उसको छोड़ दीजिए, या 1 लिखिए या 2 लिखिए, तो वो दिखता है कि उसकी डिग्री 2 ही होगी, एक छोड़ देना, पीछे से चेक करना, फिर एक्स डालना स्टार्ट कर देना, 2 है तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा और फिर एक्स है तो एक्स हो जाएगा, लाइक दैट। यहाँ पे भी आप इसको छोड़ेंगे, इसको 1 लेंगे, इसको 2 लेंगे, इसको 3 लेंगे, इसको 4 लेंगे, सो दिस विल बी एक्स रेस्ट पावर 4 प्लस 0x³ प्लस 0x² प्लस 0 -1, सो दिस इज़ द वे वी आर राइटिंग।
एक बार स्क्रीन क्लियर कर देते हैं आपकी, तो आपको दिखेगा। सेकेंड क्वेश्चन देख लीजिए कैसे लिखते हैं। डिग्री लिख दी और कोएफिशिएंट कितने हैं वो लिखा, उसमें से माइनस वन करके डिग्री निकाली और पीछे से वैल्यूज डालना स्टार्ट किया, इजी हो जाता है। यहाँ पे एक दो तीन चार ऐसे वैल्यूज हैं, तो कोएफिशिएंट इसके चार हैं, तो वेरी आप डिग्री इसकी चार में से एक तीन आ जाएगी और फिर आप सॉल्व करेंगे। ये एक प्रैक्टिस सेट 3.1 का काफ़ी क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट माना जाता है, अच्छा है। इसमें से क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, यहाँ कई बच्चे क्या करते हैं एक ही आंसर लिख देते हैं। नहीं बेटा, यहाँ पे दो आंसर्स आने चाहिए, आप सिंगल लिखेंगे तो आपके मार्क्स कट जाएंगे, ठीक है। सो ये ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पे मल्टीपल आंसर्स आते हैं। सो एक्स स्क्वायर आएगा, फिर एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस टेन आएगा और एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स आएगा। ये बहुत सिंपल है। क्वाड्रेटिक मतलब डिग्री टू वाले कितने हैं, बाइनोमियल क्यूबिक उसी हिसाब से आप लिखते चले जाएंगे। क्यूबिक दो है, लीनियर एक है, बाइनोमियल है दो टर्म्स वाला, ट्राइनोमियल तीन टर्म्स वाला रहेगा, फिर मोनोमियल सिंगल टर्म वाला रहेगा और ऐसे करके आंसर्स पे हम आ जाएंगे। थैंक यू, होपफुली आपको ये एक्सरसाइज अच्छा लगेगा। 3.1 हो जाएगा, एग्ज़ाम की प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। एग्ज़ाम्स बहुत पास आ चुके हैं और इसमें से क्वेश्चंस डेफिनेटली आपको आने वाले हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो डाउनलोड कीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर कमेंट देंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू।